दोस्तों, आज के इस हमारे वीडियो का टॉपिक है कंपास सर्विंग। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने चेन सर्विंग कंप्लीट किया था और आज से हम कंपास सर्विंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जो भी हम कोई भी अगर हमारा कोई प्लॉट हो, ठीक है, जो कि बहुत ही छोटा होता है, सो उसके लिए चेन सर्विंग सुटेबल है, क्योंकि वहाँ पर जो हम लीनियर डिस्टेंसेज जो हम मेजर करने वाले, उसमें कोई भी एरर्स वगैरह नहीं आने वाली। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हमारा एरिया काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है, अगर हमारा एरिया बड़ा हो और अगर हमारी ये सर्वे लाइन हो, तो इसमें हो सकता है कर्वेचर ऑफ द अर्थ की वजह से, ये हमारा कर्वेचर ऑफ द अर्थ है, कर्वेचर ऑफ अर्थ की वजह से इसमें एरर्स आ सकते हैं। सो जब हमारा बड़ा एरिया होता है, तब हमें चेन सर्विंग के साथ साथ हमें कंपास सर्विंग का भी यूज़ करना पड़ता है। सो बेसिकली कंपास सर्विंग में हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो हमारी सर्वे लाइन थी, मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी डी ई। तो यहाँ पर जो हमारी सर्वे लाइन्स है ए बी बी सी सी डी डी ई ई ए, इन सब सर्वे लाइन्स के हम एंगल्स फाइंड करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ। यहाँ पर हमारा नॉर्थ होगा, यहाँ पर साउथ। तो हम ऐसे हर एक सर्वे लाइन का हम यहाँ पर से एंगल मेजर करते हैं। सिमिलरली दो सर्वे लाइन्स का बीच का एंगल, यानी कि ये एंगल इंक्लूडेड एंगल्स, ये वाला एंगल, ये एंगल्स, ये एंगल्स, ये सब एंगल्स हम फाइंड करते हैं। सो सर्वे चेन कंपास सर्विंग को हम ऐसा कह सकते हैं, द कंपास सर्विंग इन विच वी फाइंड आउट द एंगल्स बिटवीन द सर्वे लाइन्स इज कॉल्ड एज द कंपास सर्विंग। ठीक है, तो वो हम कंपास सर्विंग उसे कहते हैं। एंड दोस्तों, कंपास सर्विंग करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले वो होता है हमारे पास प्रिज्मेटिक कंपास, सेकंड इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास सर्वेयर्स कंपास। इन दोनों के साथ साथ हम थियोडोलाइट का भी यूज कर सकते हैं। एंड एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट आपको पता होना चाहिए, सेक्सटेंट का भी हम यूज़ करते हैं कंपास सर्विंग में एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, सो बेसिकली दोस्तों, हम कंपास सर्वे में एंगुलर डिस्टेंसेस, एंगुलर मेजरमेंट्स लेते हैं सर्वे लाइन्स के बीच का। ओके, तो बेसिकली दोस्तों, जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कंपास सर्विंग में, वो आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेयरिंग क्या होता है। सो हम डेफिनेशन देख लेते हैं बेयरिंग की। सो बेयरिंग इज द एंगल ऑफ सर्वे लाइन विच इज मेजर विथ रिस्पेक्ट टू मेरिडियन। तो यहाँ पर मेरिडियन मतलब क्या होता है दोस्तों, आपके नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, मेरिडियन मतलब नॉर्थ एंड साउथ। तो वो मेरिडियन आपके ट्रू मेरिडियन हो सकती है, मैग्नेटिक मेरिडियन, ऑर्बिटरी मेरिडियन भी हो सकती है। वो सब हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि ट्रू मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक एंड ऑर्बिटरी मेरिडियन क्या होता है। सो बेयरिंग का मैं अभी आपको समझाता हूँ बेयरिंग क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये हमारा एक एरिया है, ठीक है, इसका हमें सर्वे करना है। लेट अस कंसिडर ए बी। ओके, ये हमारी सर्वे लाइन्स है। ठीक है, सो बेसिकली दोस्तों, बेयरिंग इज नथिंग बट एंगल ऑफ द सर्वे लाइन। ये हमारी सर्वे लाइन है ए बी। सो एंगल ऑफ द सर्वे लाइन विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ। तो यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट पर एक क्वाड्रेंट बनाता हूँ, ये हो गया हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, तो यहाँ पर से देखिए, ये जो हमारी सर्वे लाइन है ए बी, इसका एंगल विथ रेफरेंस टू नॉर्थ, ठीक है, मेरिडियन मतलब आप साउथ भी ले सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम नॉर्थ के रेफरेंस में ही मेजर करते हैं। सो यहाँ पर से जो एंगल बनेगा, ठीक है, विथ रेफरेंस टू नॉर्थ ए बी के लिए, तो ये होगी हमारी बेरिंग। तो ये एंगल हमारा बेरिंग ऑफ द लाइन ए बी हो गया। सिमिलरली अगर हम बी सी लाइन के लिए अगर फाइंड करें, यहाँ पर मैं क्वाड्रेंट बनाता हूँ, नॉर्थ हो गया, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो ये लाइन बी सी हमारी यहाँ से जा रही है, सो नॉर्थ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये हमारी बेरिंग बेरिंग होगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम इन द सेम मैनर वो सब हम फाइंड कर सकते हैं। सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, बेरिंग इज नथिंग बट द एंगल ऑफ द सर्वे लाइन, ठीक है, विच इज मेजर विथ रिस्पेक्ट टू मेरिडियन। मेरिडियन मतलब नॉर्थ और साउथ। तो वो मेरिडियन ट्रू मेरिडियन हो सकता है, मैग्नेटिक मेरिडियन या फिर ऑर्बिटरी मेरिडियन भी हो सकता है। तो ये सब हो गए बेरिंग। बेरिंग के आगे जाकर टाइप्स है ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक, वो भी हम आगे जाकर पढ़ने वाले। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल। ये जो दो टॉपिक है दोस्तों, बेयरिंग एंड एंगल, इसी के ऊपर आपका सब कंपास सर्विंग डिपेंड होता है, क्योंकि आपके आपको सम सर्विंग में बेयरिंग ऑफ द लाइन ही फाइंड आउट करने हैं, और इंक्लूड एंगल्स जो होते हैं वो आपको फाइंड आउट करने पड़ते हैं। सो एंगल क्या होता है? सो एंगल इज बेसिकली द एंगल बिटवीन द टू सर्वे लाइन्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं अगर फिर ए बी सी डी, यहाँ पर देखिए ए पॉइंट से ए बी
और एडी, दो सर्वेलेंस निकल रही है, ठीक है। तो इन दो सर्वेलेंस के बीच का एंगल, यानी कि ये वाला एंगल ए बी ए डी, इसे हम एंगल बोलने वाले हैं, ठीक है। बेयरिंग किसे बोलेंगे हम? इंडिविजुअल लाइन, इंडिविजुअल सर्वे लाइन का विथ रेफरेंस टू नॉर्थ जो एंगल बनेगा उसे हम बेयरिंग कहेंगे। सो इसे हम बेयरिंग कहेंगे और इसे हम एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। सिमिलरली बी ए एंड बी सी लाइन, सर्वे लाइन के बीच का जो एंगल होगा उसे भी हम एंगल बोलेंगे। सिमिलरली ये वाला भी एंगल होगा, ये वाला भी हमारा एंगल होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो ये सिंपल डिफरेंस था बेयरिंग एंड एंगल के बीच का। बहुत सारे यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस में आपको बेयरिंग एंड एंगल के बीच का, बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको पूछा जाता है। सो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया, बेयरिंग के तीन टाइप्स हैं, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, आर्बिट्री मेरिडियन। तो जो हमारा सर्वे वर्क है उसकी एक्यूरेसी के एक्यूरेसी पर डिपेंड हम मेरिडियन को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रू मेरिडियन क्या होता है। सो द डिरेक्शन शोन बाय नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज ट्रू मेरिडियन, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों, ट्रू मेरिडियन देखिए, हमें पता है अर्थ के दो पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। एंड इन दोनों पोल के यहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। आपको पता है जो भी हम कंपास यूज़ करते हैं वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ की तरफ पॉइंट होता है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये जो हमारे अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ पोल है, वो जो हमें डिरेक्शन शो करते हैं उसे हम ट्रू मेरिडियन कहते हैं, ट्रू मेरिडियन, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, डिरेक्शन शोन बाय नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ, ओके। तो ये हो गया आपका ट्रू मेरिडियन। एंड अगर आपको ट्रू मेरिडियन किसी भी सर्वे वर्क के लिए अगर आपको फाइंड करना है, तो वो हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस का यूज़ कर, यानी कि हमारे जो सन, स्टार्स, मून होता है, उन सबका ऑब्जर्वेशन करके हम ट्रू मेरिडियन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो टाइप है हमारा वो है मैग्नेटिक मेरिडियन, ओके। तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? डिरेक्शन शोन बाय मैग्नेटिक नीडल ऑफ द कंपास। आपने कंपास देखा होगा, तो कंपास का जो नीडल होता है वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ की तरफ पॉइंट होता है। सो वो जो डिरेक्शन हमें शो करती है, तो वो हो गई हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, सिंपल है। नाउ लास्ट बट वन, आर्बिट्री मेरिडियन। सो आर्बिट्री मेरिडियन क्या होता है? इट इज़ द एज्यूम्ड नॉर्थ एंड साउथ फॉर अ टेम्पररी वर्क। देखिए, ये हमारा कोई सर्वे वर्क है, ठीक है, एंड ये काफ़ी छोटा है, ठीक है। तो अगर ये बहुत ही स्मॉल है एंड हमें ठीक ठाक एक्यूरेसी के साथ अगर हमें काम करना है, तो यहाँ पर अगर कोई भी पिलर या फिर टावर होगा, तो इस पॉइंट को हम नॉर्थ कंसिडर करके हम सारे डिरेक्शन एंड सारे बेरिंग्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। कंसिडर कीजिए, अगर हमारा नॉर्थ है तो यहाँ पर भी हमारा सेम नॉर्थ होगा, ठीक है। तो इस लाइन का इस पॉइंट के रेफरेंस में जो भी एंगल बनेगा वो हम फाइंड आउट कर देंगे। सिमिलरली सारे ऑब्जर्वेशंस के लिए हम इसे नॉर्थ कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा आर्बिट्री मेरिडियन, ओके दोस्तों। सो दोस्तों, ये जो हो गया बेयरिंग एंगल, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, आर्बिट्री मेरिडियन, ये सारे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एंड छोटे छोटे टॉपिक्स से। ये जो आपको बेयरिंग है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंगल वो भी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, एंड इसके अगले वीडियो में हम होल सर्कल बेयरिंग एंड रिड्यूस बेयरिंग क्या होता है एंड उनके बीच का जो रिलेशन क्या होता है वो सब हम स्टडी करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।